अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम बात करेंगे आप लोगों के इम्तिहानात के मुतालिक। आप लोगों के इम्तिहानात से मुतालिक एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। आप लोगों के इम्तिहानात में एक और पेपर का इजाफा किया गया है। अब वो किस मज़मून का इम्तिहान है और वो कब होना है, तमाम दर तफसीलात आपके साथ शेयर की जाएंगी। लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि तमाम दर तालीम से मुतालिक खबरें तवातुर के साथ अब तक पहुंच सकें। फैसला ये किया गया है पहली से लेके आठवीं जमात के जितने भी तालिबे इल्म हैं, जितनी भी क्लासेस हैं, उनमें कुरान मजीद का जो पेपर है वो लाजमी करार दे दिया गया है और इसको हर सूरत हाल में लिया जाएगा। पहली से लेके पाँचवीं जमात के जितने भी तालिबे इल्म हैं उनका ज़बानी यानी कि ओरल पेपर लिया जाएगा। उनमें उनसे कुरानी आयात सुनी जाएंगी और उसके साथ साथ उनसे कुरानी जो दुआएं हैं वो सुनी जाएंगी। अल्टरनेटली छठी से लेके आठवीं तक के जितने तमाम तालिबे इल्म हैं उनका रिटन एग्ज़ाम होगा। और फैसला ये भी किया गया है मिडिल का जो इम्तिहान है उसमें तर्जमा भी ऐड किया गया है, और मिडिल और जो प्राइमरी के जो इम्तिहानात हैं वो 19 मई को लेने का फैसला किया गया है। पैक के तहत ही फैसला किया गया है। अब जो सिलेबस होगा वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जितनी भी किताबें हैं पहली से लेके आठवीं तक उसके मुताबिक लिया जाएगा, उसके अंदर से ही सारे क्वेश्चन बनाए जाएंगे। तो अब आप लोगों के लिए ये अपडेट है, जो आप लोगों के फाइनल पेपर होने हैं जिसको आप एनुअल टर्म कहते हैं उसमें कुरान का पेपर भी शामिल कर दिया गया है। इस तमाम स्कूल मालकान को हिदायत की गई है कि कुरान का भी पेपर लिया जाए। जो स्कूल कुरान का पेपर नहीं लेगा उसके ख़िलाफ़ बरवक्त कार्रवाई की जाएगी। और अल्टरनेटली आप तमाम तालिबे इल्मों को भी अब जो है आप लोगों के जो सिलेबस है कुरान का उसको भी कवर करना शुरू कर दें। पहली से लेकर पाँचवीं जमात के जितने भी तालिबे इल्म हैं वो अपनी ज़बानी तैयारी शुरू कर दें। छोटी छोटी सूरतें हैं आपके सिलेबस में होंगी, उनको याद करना शुरू कर दें, कुरानी आयात शुरू कर दें याद करना। उसके साथ साथ जो छठी से लेकर आठवीं के जितने भी तालिबे इल्म हैं आप याद रखें, आप लोगों का रिटन टेस्ट होना है, आप लोगों का रिटन पेपर होना है और 19 मई को आप लोगों का इम्तिहान होना है। तो आप लोग कुरानी आयात के तर्जमों को लिख के प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। तो ये तफसील है जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि कुरान का भी पेपर होगा। हमारे बच्चे जो हैं वो दीनी तालीम से भी आगाह होंगे जो कि बहुत वक्त की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए वीडियो मुफीद साबित हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि तमाम तर तालीम से मुतालिक खबरें बर वक्त आप तक पहुँच सकें। अपने